नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास टेंथ का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। देखिए, लिखेंगे इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स द रिलेशन बिटवीन देयर साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, करेक्ट। यह मैथमेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जो हम लोगों को रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में, उसके साइड्स और एंगल्स के बीच में। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों समझिए कि जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो दोस्तों देखिए, 90 के ठीक सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, एच हो जाएगा हाइपो। ओके, हाइपोटेनस। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एंगल ए का बात करते हैं, तो एंगल ए के ठीक सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, और ये बाद बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तीन चीज़ का बात होगा, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस को एच से इंडिकेट करते हैं, बेस को बी से और परपेंडिकुलर को पी से। ओके, और ये दोस्तों क्या होता है कि एक एंगल होता है थीटा, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो होता है बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी जैसे एक एंगल ए का बात करें तो ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो जाएगा, बेस हो गया, हाइपोटेनस 90 के ठीक सामने वाला होता है। यदि हम लोग बी का बात करेंगे, यहाँ पे बी का बात, सी का यदि बात करेंगे, तो सी के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। बाद में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर के बीच में रिलेशन है। देखिए यहाँ पे, देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन होता है पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और थर्ड रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, और हाइपोटेनस जो होता है सो लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हाइपोटेनस जो होता है हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, ये तीनों रिलेशन दोस्तों याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, लिखेंगे देर आर सिक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, पहला होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या दोस्तों हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनस, याद रखिएगा। दूसरा होता है कॉस थीटा, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, और टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा थर्ड, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ओके, फोर्थ हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो पी अपॉन एच है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में होता है सेक थीटा,
सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा का। ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा। एंड सिक्स नंबर में होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा बी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो ये दोस्तों इतना सारा चीज़ को याद रखना है, तो हम लोगों को एक्सरसाइज 8.1 हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं इसको, इतना दोस्तों याद रखिएगा। और हम देखते हैं कि 8.1 एक्सरसाइज, इसको फॉर्मूला को दोस्तों याद रख लीजिएगा, इसको ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। साथ में ध्यान रखना है दोस्तों कि हाइपोटेनस कभी भी नहीं चेंज करता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, जिस एंगल के बारे में बात होगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बाद में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। देखिए कैसे हम लोग इसका पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें बी एंगल क्या है, राइट एंगल है। देखिए यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लिए हैं, एक ट्रायंगल एबीसी है, बी पर 90 डिग्री है। ओके, ए बी इक्वल 24, देखिए ए बी इक्वल 24 दिया गया है, बी सी इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है डिटरमाइन साइन ए कॉमा कॉस ए, और सेकंड में कह रहा है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम लोग तीनों साइड पहले पता होना चाहिए, तो दो साइड तो हम लोग पता है, थर्ड साइड हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे। देखिए तो 90 ठीक से हमारा क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग नहीं दिया गया था, पहले हाइपोटेनस यहाँ से निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस किससे निकालेंगे, देखिए हम लोग फॉर्मूला जो अभी पढ़े हैं, देखिए हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला यहाँ पे एच स्क्वायर वाला यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट, सबसे पहले तीनों साइड पता होना चाहिए। ठीक है, जो साइड नहीं दिया उसको पहले हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से। देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, एच का वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा, अगला पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आगे देखिए तो एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी का स्क्वायर, पी मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है बताइए, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना 7 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस बी यानी कि 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ओके, आगे देखिए एच इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर सी एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 576 सी एम स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना 576 और ये सी एम स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे, देखिए इसमें इसको ऐड करेंगे तो 9 और 6 हो गया 15 और 7 और 4 11 और 1 12 और ये हो जाएगा 516 सी एम स्क्वायर। और जानते हैं कि 625 का रूट क्या होता है, 25 होता है, तो h इक्वल टू हो जाएगा 25 और सी एम स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बाहर आएगा सी एम, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, ये होगा 25 सेंटीमीटर। ओके, और हम लोग यहाँ से किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हम लोग तीनों साइड पता चल गया है, ये और ये मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों का वैल्यू पता चल गया है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, पहला वैल्यू निकालना है साइन ए, देखिए यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना है साइन ए का, तो यहाँ पे ए वाले को हम लोग क्या करेंगे मार्क करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ए वाले को हम लोग क्या कि मार्क कर लिए। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये साइन थीटा है तो थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है ए है, थीटा क्या होता है एंगल होता है, एक्यूट एंगल। अब यहाँ बात कर रहा है किसका, ए का बात कर रहा है, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल क्या है ए है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। इसके लिए देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हो जाएगा। ओके, इसके लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्या बताए थे जिस एंगल का बात करेंगे उसका ठीक साइन वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस तो यही रहेगा इसके लिए या किसी भी एंगल के लिए। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, चाहे साइन ए रहे साइन बी रहे तो हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला पार्ट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, देखिए साइन ए इक्वल टू क्या पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा तो साइन ए का वैल्यू आ गया 7 अपॉन 25, ये पहला आंसर दोस्तों आ गया। ओके, इसके बाद हम लोग निकालेंगे किसका, देखिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कॉस ए का,
देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। देखिए यहाँ पे जिस तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है, कॉसे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच ही हो जाएगा। देखिए कॉसे का फॉर्मूला हो जाएगा बी अपॉन एच। तब बेस देखिए ए के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर तो हो गया ये, तो बेस क्या हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेनस 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो जाएगा 24 अपॉन में 25। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट का आंसर, अब देखिए इसमें सेकंड पार्ट में कह रहा है कि साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे साइन सी, फॉर्मूला लिखेंगे क्या, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का पी अपॉन एच। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए सी वाले को हम लोग यहाँ पे क्या करें, मार्क करेंगे, एंगल सी को मार्क कर दिए। तो एंगल सी के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो है कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक सामने वाला ये हो गया हाइपोटेनस, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सी एम सी एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन में 25। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए कॉस सी का हम लोगों को वैल्यू निकालना है। देखिए कॉस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिस तरह से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। थीटा के जब यहाँ पे क्या है सी है यहाँ पे, तो बेस बेस क्या हो जाएगा, देखिए सी के ठीक सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, चेंज होता है एंगल के अकॉर्डिंग। सी था यहाँ पे, सी के ठीक सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि ए का बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा, इसी ध्यान रखना है। सी एम सी एम कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस सी का वैल्यू हम लोग कितना आ गया, कॉस सी का वैल्यू आ जाएगा 7/25। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग दिया गया है इन फिगर 8.13, ये 8.13 फिगर दिया गया है। इसमें कह रहा है कि फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर, तो इस दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे इस फिगर से, इसका हम क्या माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है। देखिए ये 90 है, तो 90 के ठीक सामने वाला हम लोगों को हाइपोटेनस दिया गया है, ये परपेंडिकुलर भी दिया गया है, तो ये क्या हुआ बेस, बेस हम लोगों का वैल्यू दिया नहीं, बेस का वैल्यू हम लोग नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, बेस का वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। तो बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसको याद रखिएगा जो लिखाए थे तीनों फॉर्मूला उसी में से है ये। वी नो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यदि स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट आ जाएगा इस पर। आगे देखिए, अब इससे आगे देखिए कि बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या दिया गया है 13, 90 ठीक से हाइपोटेनस हो जाएगा, तो जाएगा 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, तो यह परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए तो बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर हो गया 169 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सी एम स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा सी एम स्क्वायर। ओके 12 का स्क्वायर 144, सी एम का स्क्वायर सी एम स्क्वायर हो जाएगा। ओके यह फिगर 8.13। ओके आगे देखिए तो बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसमें इसको माइनस कीजिए तो हो जाएगा 25 सी एम स्क्वायर। और हम जानते हैं 25 का रूट क्या होता है 5, और सी एम स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो सी एम हो जाएगा, तो बेस का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ओके आगे देखिए हम लोग किसका वैल्यू निकालना है, टेन पी माइनस कॉट आर का। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए टेन पी, तो देखिए पी कहाँ पर है, तो पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, जैसे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका भी टेन पी का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए टेन पी, पी के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, देखिए पी को हम लोग मार्क किए, एंगल पी को मार्क किए, इसके ठीक सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अपॉन में बेस, तो 90 के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/12। अब आगे देखिए यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट कॉट आर का वैल्यू, टेन पी का वैल्यू निकाल दिया, अब कॉट आर का वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए ये हो जाएगा कॉट आर, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी अपॉन में पी,
आर को मार्क कीजिए, देखिए आर्क है यहाँ पे, तो आर के लिए ठीक सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। देखिए आर कॉट आर है ना, तो आर एंगल को मार्क करेंगे, तो आर को मार्क किए, इसके ठीक सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना 12 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये हो जाएगा 5/12। ओके, दोनों का वैल्यू निकालिए, टेन पी का वैल्यू निकालिए, कॉट आर का वैल्यू निकालिए, तो लिखें देयर फोर टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी का वैल्यू कितना 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना 5/12, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया, बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहला बात ध्यान देना है इसमें कि तीनों साइड पहले पता होना चाहिए, दो साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड हम पहले फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद फॉर्मूला याद रखेंगे, डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है, सबसे पहले यहाँ पे लिखिए गिवन, लिखिए गिवन साइन ए इक्वल टू कितना देगा 3/4, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर 3 दिया गया और हाइपोटेनस कितना दिया गया 4 दिया गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 एंड हाइपोटेनस इक्वल टू कितना 4। देखिए सबसे पहले साइन ए इक्वल टू 3/4 लिख दिए जो दिया गया था, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच, तो साइन ए का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी अपॉन एच ही हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 4। यहाँ फिगर पहले बनाइए, ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे रखते हैं, इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जगह कितना है यहाँ पे 3, ये बी है, ये 90 है, तो 90 फीस वाला क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हो गया 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं सीलेक्ट कर लेते हैं, एक बार फिर समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे साइन इक्वल टू 3/4 है, एक को हम लोग यहाँ पे रख दिए, एक ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया कितना 3, ठीक है। यहाँ बी रखे, तो बी का ठीक सामने क्या हो गया हाइपोटेनस, तो बचा क्या दोस्तों यहाँ पे बेस, तो पहले बेस का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पहले फाइंड कर लेंगे, तो लिखेंगे वी नो दैट, क्योंकि हम लोग को तीनों साइड पता होना चाहिए, वी नो दैट बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर माइनस क्या होता है पी स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगला वाला पर रूट आ जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू अंडर रूट एच का स्क्वायर, यानी कि एच क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 4 है, यहाँ से भी देख सकते हैं हाइपोटेनस कितना 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। आगे देखिए तो बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो यह रूट अंडर 7, तो बी का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट 7, बेस कितना हो गया अंडर रूट 7, तो यहाँ पे इसको मार्क कर दीजिए, ये रूट अंडर 7 हो गया। ओके, अब हम लोग सारा वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं जो हम लोग दिया गया है, तो पहला हम लोग वैल्यू निकालना है कॉस ए का, देखिए तो पहला वैल्यू हम लोग किसका निकालना है कॉस ए का, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, तो कॉस ए का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी अपॉन एच ही हो जाएगा। अब देखिए ए वाले को हम लोग क्या किया मार्क करेंगे, ये तो ऑलरेडी मार्क है यहाँ पे, ये एंगल इसके ठीक सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या 90 ठीक सामने वाला हाइपोटेनस, तो देखिए बी अपॉन एच, तो बेस क्या हो जाए, देखिए ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो बेस कौन हो गया रूट अंडर 7, ये हो जाएगा रूट अंडर 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो पहला वैल्यू हम लोग निकल गया, सेकेंड वैल्यू हम लोग निकालना है किसका टेन ए का, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन बी, तो ए के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, देखिए ए के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया 3 अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा देखिए ए के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, ये तो हो गया 90 ठीक वाला हाइपोटेनस, बेस कितना हो गया रूट अंडर 7, ये हो गया रूट अंडर 7। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। तो दोस्तों बताना चाहते हैं आप लोगों को कि ट्रिग्नोमेट्री जो है दोस्तों क्लास टेंथ का सबसे आसान चैप्टर में से आता है, ठीक है, इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमें ये दिया गया, गिवन
15 cot a इक्वल टू 8, देन फाइंड साइन ए एंड sec ए। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है। सबसे पहले आप लिखिए, गिवन लिखिए, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8। तो यहाँ से देखिए 15 cot a इक्वल टू क्या 8 दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, cot a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई में इधर है, किस में चला जाए, डिवाइड में। तो यहाँ से cot a का वैल्यू कितना आ गया, 8 अपॉन क्या आ गया, 15 आ गया। ओके, अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी होता है। क्या होता है, बी अपॉन पी। तो बताइए बेस कितना हो जाएगा, बेस हम लोग हो गए 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। देखिए बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। यहाँ पर डायग्राम बनाइए, देखिए देखिए यहाँ पे ए लेट कर लेते हैं। तो ए के ठीक सामने वाला देखिए, ए के ठीक सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है 15 है। ये बी, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री मतलब क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो दिया नहीं हुआ है तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे। बेस, बेस कितना है यहाँ पे 8 है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बेस दिया गया, परपेंडिकुलर दिया, तो सबसे पहले हम लोग क्या, हाइपोटेनस पहले क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला दोस्तों स्टार्टिंग में लिखा दिए हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो एच इक्वल टू क्या, स्क्वायर जैसे यहाँ से हटेगा तो अगला वाला क्या हो जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इक्वल टू अंडर रूट पी का स्क्वायर, तो पी का वैल्यू कितना देखिए, पी का वैल्यू है 15, क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस बेस 8 का स्क्वायर। तो देखिए 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा, और इसको रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा 17। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए 17। ओके, अब देखिए हम लोग वैल्यू किसका निकालना, पहले साइन ए का निकालना है। देखिए पहला पार्ट में यहाँ पे साइन ए, अब बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। साइन ए का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखिए ए के ठीक सामने वाला, देखिए ए के ठीक सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी कि 15 अपॉन हाइपोटेनस, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस यानी कि 17। ये दोस्तों इसका आंसर हो गया। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा पार्ट है हम लोगों को सेक ए। तो सेक किस, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है कॉस का, तो बी अपॉन एच, एच अपॉन बी हो जाएगा। फॉर्मूला देखिएगा पीछे, एच अपॉन बी, इसको याद भी रख सकते हैं। एच हाइपोटेनस किसका, ए का, देखिए ए के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस कितना हो गया 17 अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा इसके ठीक सामने, ये परपेंडिकुलर ए के ठीक सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, तो यानी कि 8। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। यदि मेरा दोस्तों पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।